Welcome back, students. My name is Tahir, and I graciously welcome you to this wonderful batch that's OCAB 1.0. That is basically initiated and launched by Sky Foundation Classes, where you can access to some free lectures of exactly different subjects as well. Like your science is there, SST is there, Urdu. ये सारे chapters, सारे lessons आपको provide किया जाते हैं हमारे इस platform पे. तो आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ्स की. और इस चैप्टर में पार्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ्स के बारे में. इसका तीसरा लेक्चर आज है, यानी कि थर्ड लेक्चर, एंड वी आर गोना टॉक अबाउट सम मोर डिटेल्स अबाउट द ग्राफ्स एज वेल. सो इससे पहले के सारे वीडियोज यू कैन चेक इट आउट इन आवर प्लेलिस्ट एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी व्हाट इज ऑन द स्क्रीन. Here, as you are aware about the same, अगर आप देखेंगे ये हमारी टेक्स्ट बुक जो जेके बोस की टेक्स्ट बुक में शायद चैप्टर नंबर 13 है, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 15 है. सो यस, बट सिमिलरिटी इज ऑल ओवर द सेम. अगर आप बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, अगर बात करेंगे आप बाकी सारी चीजों के बारे में, तो एग्जैक्टली दे आर सेम, बट नंबरिंग इज डिफरेंट. सो इफ यू आर वॉचिंग एंड यूर बैकग्राउंड इज फ्रॉम सीबीएसई आर एनसीईआरटी, सो चैप्टर इज सेम फॉर यू, मे बी द नंबर ऑफ द चैप्टर माइट बी डिफरेंट. सो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, और इसमें बात करेंगे हम एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ्स के बारे में. तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट में. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो पहले हम एक्चुअली शेयर करने जा रहे हैं, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर ग्राफ. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि ग्राफ एक्चुअली में होता क्या है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये सारी चीजें हमने बताई. आज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, आपके क्लास 9th को जो एक चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अगर आज का ये लेक्चर आप देखेंगे, तो अगर आज के लेक्चर के देखने के बाद, यानी कि जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप 9th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठा के देखेंगे, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट एज वेल. सो प्लीज मेक श्योर दैट कि यू आर फीलिंग फुली कॉन्सेंट्रेटेड ड्यूरिंग द लेक्चर. तो चलिए बात करते हैं अब लीनियर इक्वेशन के बारे में, सॉरी लीनियर ग्राफ्स के बारे में. देखिए, सबसे पहले अगर हम लीनियर ग्राफ की बात करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फर्स्ट कॉन्सेप्ट लाइन, यानी कि बेसिकली जो आपका ग्राफ है, ये जो आपका ग्राफ है, ग्राफ आपका क्या है एक्चुअल में, अगर आप देखोगे ग्राफ के बारे में, अगर हम बात करेंगे, ये जो हमारे पास ये ग्राफ है, लाइन ग्राफ, लीनियर ग्राफ जिसे हम बोलते हैं, ये एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन में आता है, स्ट्रेट लाइन में आता है. ठीक है, लीनियर ग्राफ, आपको मैं बता दूं कि अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप ग्राफ देखोगे, वो कभी ऐसा बनता है, कभी ऐसा भी बनता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है. और हमेशा मैंने परसों भी आपसे एक चीज के बारे में, कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि अगर हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राफ. ग्राफ में हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स की रिलेशन को डिफाइन करते हैं, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, जो कि हम अपनी लास्ट वाली एक्सरसाइज में सीखेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है. यहां पर आप देखते हो कि अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दूसरे स्टैंडर्ड में चेंजेस को रेक्टिफाई करना हो और चेंजेस को देखना हो, तो हम ग्राफ का हेल्प लेते हैं. ठीक है, दूसरी बात भी आपको बताता चलूं कि अगर ग्राफ्स के बारे में हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है ग्राफ्स की. ग्राफ हमें कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट, ईजिली और बहुत ही सरल, जिसे हम बोलेंगे आसान तरीके में प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो इसलिए हम ग्राफ्स का वैल्यू जो है, या ग्राफ्स का यूज करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने एक ग्राफ बना हुआ है. ग्राफ में आप एक चीज याद रखेंगे, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस वन इज बेसिकली कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ठीक है, और इसको हम कहते हैं अपनी वर्टिकल एक्सिस, और इन मैथमेटिकल टर्म्स में इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं. यानी कि खड़ी वाली जो होती है, तो इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं. एक एक्स एक्सिस होती है हमारे पास, एक वाई एक्सिस होती है. पॉइंट्स को याद रखेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्राफ की, उसे हम एक्चुअली एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है, उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं. जहां पे ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होती है, यानी कि ये मेरे पास जो ये पॉइंट ओ है, यहां पे आप देख सकते हो, दिस पॉइंट ओ, बेसिकली दिस पॉइंट ओ वेयर द लाइंस मीट, बेसिकली ठीक है, वेयर द लाइंस मीट,
ठीक है, वेयर द लाइन्स मीट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज, इसे हम क्या कहते हैं, मीट इज कॉल्ड एज ओरिजिन, इसे हम एक्चुअली ओरिजिन के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द ओरिजिन। अब बात को समझिएगा, बात को समझिएगा, यहां पे एक लाइन शो हो रही है जो कि हमें दिखा रही है टाइम इन आवर्स, और यहां पे हमारे पास इनकम इन डॉलर्स दिखा रही है, ठीक है, यानी कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस की बात कर रहे हैं कि टाइम के साथ, यानी कि एक घंटे में आप देख सकते हैं यहां 1 आवर का टाइम है, और इसके रेस्पेक्ट में अगर हम ग्राफ की बात करें तो मुझे चेक करना है कि मैंने एक घंटे में कितने डॉलर बनाए, इस तरह से 2 घंटे में कितने डॉलर बनाए, 3 घंटे में कितने डॉलर बनाए, ठीक है, तो यहां से आप देखोगे स्ट्रेट जहां पे ये लाइन को टच कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में आप यहां देखोगे इस लाइन को कहां पे टच किया, तो यानी 2 आवर्स में 30 डॉलर बन रहे हैं। ये हमें ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन जो है वो इस ग्राफ के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए अब बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि बहुत सिंपल और बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और वो क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, बहुत अच्छे से इस चीज को आप समझ सकते हैं, नाउ लेट्स चेक इट आउट, ओके लेट्स सी, यस देखिए अब अगर यहां पे हम बात करेंगे, ठीक है, अगर यहां पे हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ द पॉइंट के बारे में, देखिए मैंने यहाँ पे एक प्लेन ग्राफ जो है आपके लिए बना रखा है, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं, मैंने आपको कहा कि ये वाला लाइन जो है ये मेरा एक्स एक्सिस कहलाएगा, ठीक है, ये वाला लाइन जो है मेरा ये मेरा एक्स एक्सिस कहलाएगा, ये वाला लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस है, मैंने पहले ही आपको बता दिया, और ये वाला लाइन जो है हमारा वाई एक्सिस कहलाएगा, ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ, 1, दिस इज 0, दिस इज 1, क्योंकि ओरिजिन हमेशा 0 रहता है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे हम, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, सेम वे वाई एक्सिस पे भी हम 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, कुछ बात करेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन फिलहाल अगर मैं आपको जनरली कहता हूं कि यहां एक बंदा इधर खड़ा है इस कोऑर्डिनेट के सिस्टम में, क्या आप मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, तो हाँ, अब यहां पे आप बताओगे सर कि अगर मैं वाई की एक्सिस से दाऊं तो ये 3 पे है, ठीक है, या हम कोई और पार्टिकुलर लोकेशन ले लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैंने दोनों तरफ से 3-3 ले लिया, तो चलिए हम इस लोकेशन की बात करते हैं, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। अब यहां पे आपको मैं बता रहा हूं कि इस बंदे के मुझे लोकेशन बता के दिखाइए, ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते एक नॉर्मल चीज की बात करते, अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा मुझे किसी भी चीज का लोकेशन बताना होता तो मैं कहता कि ओरिजिन से ये वाली लाइन, फिर मुझे ओरिजिन से ये डिस्टेंस देखना पड़ता कि इस डिस्टेंस से कितना दूर है, ठीक है, अगर मैं किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट से डिनोट कर रहा हूं तो मुझे ये वाला डिस्टेंस अपना देखना पड़ता, ठीक है, सो दीज आर द पॉसिबल सिचुएशंस। अगर मैं कहीं पर्टिकुलरली यहां पे किसी पर्टिकुलर दूसरी सिचुएशन से देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं तो मैं ये वाली डिस्टेंस देखूंगा, ठीक है, मैं यहां से डिस्टेंस देखूंगा। अब एक्चुअल में इस सारी कंफ्यूजन को कि अगर कोई पॉइंट है कोऑर्डिनेट में उसे हम कैसे लोकेट कर सकते हैं, उसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताया गया कि आप सबसे पहले चेक करो कि उसकी वाई एक्सिस से दूरी कितनी है, यानी कि ये जो वाई एक्सिस है इससे वो कितना दूर है, लेकिन ये पॉइंट कौन दिखाएगा, आपका एक्स एक्सिस, यानी कि ये एक बॉक्स है, समझ रहे हो आप, मैंने सेंटर में ले लिया एक बॉक्स, मैं ये बता रहा हूं कि ये एक्स से इतना दूर है, सॉरी ये अपनी वाई वाली लाइन से इतना पॉइंट दूर है, ठीक है, अगर मैं कोई मुझसे पूछे कि सर ये एक्स से कितना दूर है, तो ये बेसिकली इसकी डिस्टेंस हो गई ना एक्स से, यानी कि ये डिस्टेंस है इसकी एक्स एक्सिस से, ये मेरे पास पॉइंट है, ये मेरी वाई एक्सिस जा रही है और ये मेरी एक्स एक्सिस जा रही है, मैं पॉइंट यहां पर लोकेट करूं, मैं कहूंगा वाई एक्सिस से ये इतना है और एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस इतनी है, समझ रहे हो आप बात। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे एक्चुअली एक तो वाई एक्सिस कहां पे मीट करती है और एक्स एक्सिस ने कहां पे इसे टच किया, तो बात तो आ गई दो पॉइंट्स की, लेकिन इस चीज के लिए हमारे पास एक रूल दिया गया, एंड व्हाट वाज बेसिकली दैट रूल, दैट रूल वाज एग्जैक्टली, अगर हम रूल की बात करें तो रूल क्या था हमारे पास कि हमेशा से जब भी हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने की कोशिश करेंगे तो हमेशा से पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, यानी कि एक्स का वैल्यू लिखेंगे, सिंपली अभी कोऑर्डिनेट की बात नहीं करते, y उसके बाद हम y का वैल्यू लिखेंगे, तो ये एक जो पियर बन जाएगा, ये जो एक पियर बन जाएगा, यानी कि जैसे मैंने यहाँ के एक पॉइंट को डिनोट किया, मैंने देखा कि ये पॉइंट यहाँ x पे 3 पे है और y पे 4 पे है, तो पहले x का वैल्यू मैं लिखूंगा 3 एंड देन y का वैल्यू 3, 4, यानी कि अगर मुझे कोई पूछ रहा है कि ये पॉइंट p है इसकी लोकेशन क्या है, तो मैं उसे कहूंगा कि सर जी ये x पे
थ्री है, यानी कि x कोऑर्डिनेट इसका 3 है और y कोऑर्डिनेट इसका 4 है। तो इससे द्वारा या इस कॉन्सेप्ट के द्वारा मैं एग्जैक्टली इसकी लोकेशन जो है बताने में कामयाब हो जाऊंगा और बता सकूंगा। अब इसी चीज को एक और नाम दिया गया, अगर बात समझे तो ये वही है, दिस इज बेसिकली द सेम थिंग हियर, एंड व्हाट इज दैट एग्जैक्टली, दिस इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेट्स, और इन जो दो पॉइंट्स को है को कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब ध्यान रखना, यहाँ पे मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, ठीक है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या क्या चीजें बताने वाले हैं आपको, अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमारे पास एक मैथमेटिशियन था जिनका नाम था रेने डेस्कार्ट्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है याद रखेंगे, रेने डेस्कार्ट्स, एक्चुअली इसको नाम कुछ ऐसे लिखा जाता है डेस्कार्ट्स, ठीक है, लेकिन पढ़ने में एक्चुअली आप पढ़ोगे इसे रेने डेस्कार्ट्स, ठीक है। उसने एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट दिया कि हमारा जो प्लेन होता है, हमारा जो प्लेन होता है इसे हम अगर चाहें तो टू डायमेंशन में कुछ यूं डिवाइड कर सकते हैं, अगर हम एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस डालें और एक वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल एक्सिस को डालें, ठीक है। तो ये जो दो एक्सिस एक्चुअली एक दूसरे को कट करके जाती हैं तो ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती हैं, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती हैं जहां पे हम पॉइंट्स को बेसिकली लोकेट जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए अब जब कोऑर्डिनेट ये बनाता है तो उसने क्या काम करा, उसने कहा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे हम कहते हैं, इसे उसने नाम दिया, इस लाइन का उसने नाम रख लिया कि दिस लाइन इज बेसिकली कॉल्ड एज एक्सिस, ठीक है। और अगर हम बात करें एक्चुअली में दो की, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई, तो ये वाली हमारी कहलाएगी, ये वाली जो ऊपर लाइन जा रही है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, एंड टुगेदर दे आर बेसिकली कॉल्ड एज एक्सिस, यानी कि हम दोनों की बात करें तो ए एक्स ई एस प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। अब ध्यान रखना, उसने कहा कि ये जो दो लाइंस हैं ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को चार हिस्सों में बांटती हैं, ऐसे 1, 2, 3 and 4, और इन चारों हिस्सों का इसने नाम दिया क्वाड्रेंट्स, क्या कहा, क्वाड्रेंट्स, अच्छे से ध्यान रखिए, इसने कहा कि ये क्वाड्रेंट्स है, और यहां पे भी ये आपका फिर पहला क्वाड्रेंट्स हो गया। इसके हिसाब से उसने ये नेमिंग भी उसी ने करी है, उसने नेमिंग का जो शेड्यूल दिया वो उसी ने दिया है कि ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये वाला आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, यानी कि अगर एक प्लेन को हम डिवाइड करते हैं, और अगर मुझे कोई पार्टिकुलर पॉइंट इस पे लोकेट करना हो तो ये जहां पे लाइंस दो इंटरसेक्ट करती है दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द ओरिजिन। इसने एक और नाम भी दिया कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसको याद रखेंगे आप, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट From y axis, distance of a point from y axis is called as abscissa, ठीक है, इसने इसको क्या नाम दिया, abscissa नाम दिया, ठीक है। And इसका उल्टा जो है distance of a point from x axis, He named it as ordinate. इसको क्या नाम दिया इसने, ordinate. और इसने एक और रूल दिया कि अगर आप किसी पॉइंट का लोकेशन बताने जा रहे हो तो आप पहले ऑर्डिनेट लिखोगे, सॉरी पहले आप एब्सिसा लिखोगे और बाद में ऑर्डिनेट लिखोगे। एब्सिसा क्या है, मान के चलो देखिए मेरा ये वाला पॉइंट है, सॉरी मैं कुछ डिफरेंट पॉइंट लेता हूं ताकि आपको एक एग्जैक्ट पिक्चर इसकी दिखने को मिले, ठीक है। देखिए यहां पे मैं एक पॉइंट एक ले लेता हूं और वो पॉइंट क्या है मेरे पास, सपोज मैंने यहाँ पे ये वाला एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये वाला पॉइंट, और मैं आपसे बता रहा हूं कि मुझे इसका आप डिस्टेंस बताएं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि आप सबसे पहले एब्सिसा लिखेंगे, एब्सिसा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस से कितना दूर है। आप चाहे इसे ऐसे याद रख लें कि ये वाई एक्सिस से सर कितने पॉइंट्स की दूरी पे, आप देख लो 1, 2, 3 and 4 जो कि यहां पे दिखा दे रहा है, ये इतना डिस्टेंस पे दूर है वाई से, और मैं आपसे कहूंगा x से ये रही x एक्सिस और इससे ये कितनी दूरी पे है ऊपर, तो आप कहोगे सर 3 units, ठीक है, आप कहोगे 3 units। तो आप अगर जब इसका कोऑर्डिनेट लिखने जाओगे तो आप कहोगे कि ये पॉइंट जो है, मान के चलो मैंने पॉइंट टी फॉर ताहिर सर लिख दिया, ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है कि टी फॉर ताहिर सर इज एग्जैक्टली 4, 3 units, तो ये एग्जैक्टली इसकी लोकेशन हो गई। इस तरह से आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसमें जो भी जिस तरह की भी किस्म की आपको इंफॉर्मेशन लिख ली हो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ।
I hope things are pretty clear here and let's move ahead then. So I hope कि आपने ये इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया है. तो चलिए आप बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में और समझते हैं कुछ और चीजें जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें सीखनी है. ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम करते हैं बात आपके एग्जाम्पल नंबर 3 की. ठीक है, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से इस चीज को आप समझने की कोशिश करिएगा. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ताकि आपको ये एक कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर रहे. ठीक है, देखिए हमें क्या बताया जा रहा है यहाँ पे. अगर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, प्लॉट द पॉइंट्स 4, 3 ऑन लाइन ऑफ अ ग्राफ शीट. इज इट सेम एज 3, 4? मुझे एक पॉइंट प्लॉट करना है जिस पॉइंट का नाम है 4, 3. ठीक है, और दूसरा पॉइंट मुझे प्लॉट करना है, पहले कॉन्सेप्ट में तो 4, 3 है और दूसरे में हमें प्लॉट करना है हमारे पास 3, 4. ठीक है, 3, 4, और मुझे बताना है कि क्या ये 3, 4 और 4, 3 सेम है या नहीं है. तो चलिए हम पहले इस पॉइंट को डिनोट करते हैं. देखिए ये जो पहला आपके पास पॉइंट है, यानी कि अगर आपके पास एक पॉइंट लिखा हुआ है 4, 3, तो इसमें जो पहला वैल्यू है ये आपके x का वैल्यू है और दूसरा आपके y एक्सिस वाला वैल्यू है. ठीक है, तो x पे 4, x पे हमेशा से ध्यान रखिएगा जब भी पॉइंट दिया हुआ है तो पहला x दूसरा आपका y रहेगा. ठीक है, पहला x और दूसरा आपका y रहेगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा. अब यहां पे मैंने क्या काम करा, x is 4, y is 3. x is 4, मैं यहां से गया 4 पे, y is 3, y is 3, तो यहां y पे 3 पे, तो यहां से x पे 4 पे, ठीक है, और y से 3 पे, तो यहां से हम आ गए 3 पे. तो यानी कि ये रहा आपका पार्टिकुलर पॉइंट जो कि हमें लोकेट करना था. ठीक है, तो मैंने पॉइंट जो है आपका लोकेट कर दिया. अगर आप चाहें तो इन लाइंस को ड्रा जो है वो नहीं भी कर सकते, देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राइंग दीज पर्टिकुलर लाइंस. अगर आप नहीं चाहते तो आप इसे नहीं ड्रा कर सकते. ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि x पे आपका डिस्टेंस 4 था और y पे एक्चुअली यानी कि 3 था. तो x इज 4, तो आप यहां से 4 पे गए, सीधे 4 से यहां y के सीज में जाओगे, ऐसे ही एग्जैक्टली आपका पॉइंट जो है मार्क हो जाएगा. That's your point, 4, 3. और इसके साथ में आप ऐसे लिख दोगे 4, 3. ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया 4, 3. ध्यान रखिए अब मुझे दूसरा पॉइंट लोकेट करना है जो कि है मेरा 3, 4. अच्छे से ध्यान रखिएगा 3, 4. अब x पे मुझे 3 चाहिए और y पे 4, क्योंकि पहला पॉइंट आपका हमेशा से x रहेगा, ये आप जहन में बिठा के रख लें. चलिए तो पहला पॉइंट सर जी आपका x है, तो हमने बात करी कि पहला पॉइंट जो है हमारा x है. तो ये देखिए x हमारा 3 है और y हमारा 4 है, तो x हमारा 3, y हमारा 4, यानी कि ये पॉइंट जो है हमारा दिस इज 3, 4. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द वन हियर. अब आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्या ये दोनों पॉइंट्स आपको सेम दिख रहे हैं, क्या ये दोनों पॉइंट्स एक जगह पे हैं? आप कहोगे सर क्या बोल रहे हो, सुबह सुबह कुछ खा के तो नहीं आ गए? ऐसा नहीं है, बेसिकली इट्स नो, दीज पॉइंट्स आर नॉट सेम. ठीक है, दीज पॉइंट्स आर बेसिकली नॉट सेम, दीज पॉइंट्स आर नॉट सेम, यानी कि ये पॉइंट्स बिल्कुल भी सर जी सेम जो है नहीं है, पॉइंट्स आर नॉट सेम एट ऑल. आई बात समझ? अब ये जो क्वेश्चन था हमसे पूछा गया था, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जैक्टली जो हमें बताया जा रहा है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चलिए देखते हैं. पॉइंट कुछ आपके पास यू लिखा हुआ है. ओके, जस्ट ए सेकेंड. ओके, तो देखिए अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो आप प्लीज इसका एक बार स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें ताकि हम आगे बढ़ सके. ठीक है, ओके, नाउ इफ यू जस्ट चेक इट आउट, अगर इस सारी कंडीशन को हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो था हमारे पास, ठीक है, अब देख लीजिए आप इस पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट चीज आपने सीखी कि किस तरह से हम एक पॉइंट को लोकेट जो है वो कर सकते हैं. ठीक है, एक पॉइंट को हम ग्राफ पे कैसे जो है लोकेट कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके समझने के लिए भी और आगे बढ़ने के लिए भी. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम और आगे बढ़ते हैं, अब इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे कुछ लेटर्स जो है वो दे रखे हैं. यहां अगर आप देखोगे ये आपका लेटर ए है, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये लेटर आपका लेटर सी है,
इस तरह से ये लेटर आपका ई है, ठीक है, इस तरह से ये वाला लेटर आपका डी है, इस तरह से ये लेटर आपका जी है, ठीक है, तो जो कि आपके इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। नाउ अगर इस लेटर की हम बात करें, दिस इज योर पॉइंट बी, ठीक है, यहाँ पे आपको पॉइंट एफ दिखाया गया है और ए बी सी डी ई एफ एंड जी, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपको समझना है कि पहला ये जो 2,1 है किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2,1 किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2,1 किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि x पे 2 y पे 1, x ये रहा हमारा, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2,1 इफ x इज 2 y इज 1, x इज 2, मैंने देखा x 2 है और y 1 है, x से मैं 2 पे आया और y से मुझे कितनी हाइट पे जाना है, 1 पे, तो मैं यहां पहुंचा, सो इट मींस दैट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग योर पॉइंट e, तो यानी कि ये पॉइंट e को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से जो है अपने जहन में आप बिठा सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से समझिए। दूसरा पॉइंट क्या आपके पास, पॉइंट जीरो कामा फाइव में अगर आप देखोगे, पॉइंट जीरो कामा फाइव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे देखते रहिए, पॉइंट जीरो कामा फाइव जो है आपके पास जीरो, यानी कि एक्स अब जीरो है, रिमेंबर दैट, इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए और ये आप यहाँ पे लिख के भी रख लें ताकि आपको ये अच्छे से जो है याद भी रहे ये पॉइंट, ठीक है। मैं यहाँ पे इस पॉइंट को मेंशन कर देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे ये पार्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। When x is zero, point lies on y axis. Point किस एक्सिस पे लाई करता है, y एक्सिस पे लाई करता है, और इसका इनवर्स भी ट्रू है, यानी कि when y is equal to zero, your point lies on x axis का मतलब क्या है, exactly सीधा x axis के ऊपर। जैसे मान के चलो मैंने कह दिया कि मेरा एक पॉइंट है 0,6, सर जी मुझे 0,6 रिप्रेजेंट करिए, तो मैंने जैसे ही देखा आपने कहा जीरो, आपके पास x और y लिखा नहीं आता है कहीं पे भी, आपको समझना है पहला वाला x होता है यानी कि इस एक्सिस का कोऑर्डिनेट, और y होता है इस, x पे जीरो है सर, y पे 6 है, तो सीधा सीधा जाके सीधा कोऑर्डिनेट के ऊपर घुस जाइए, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है आपका x कामा 6 को, 0,6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो व्हेन x इज 0, जब आपका पॉइंट x 0 है और y कितना है, y 5, x है ही 0 और y कितना है 5, व्हेन x इज 0 पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस के ऊपर, कौन सा पॉइंट है सर जी, ये आपका पॉइंट नंबर बी है सेकंड में, ठीक है। आप देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3, 2,0, नाउ x इज नॉट जीरो बट y इज 0, समझ रहे हो बात को, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिए, आपको बोल रहा हूं ये, ठीक है, ध्यान रखो, 2,0, x इज 2, भाई साहब x 2 है और y 0 है, आई हैव टोल्ड यू दिस कॉन्सेप्ट, व्हेन x इज 0 पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, बट When y is 0, point lies on x axis. और यहां मैं देख रहा हूं x तो 2 है और y तो already 0 है. If y is 0, point is on the x axis. तो 2 पे कौन सा point आपका? G. तो आप कहोगे सर जी जी हजूर यही वाला point जो है हमारा point 3 हो गया. The coordinates of a कहां पे है? a, a के coordinates हमें बताए जाएं. और a देखिए, मैं यहां से इधर आऊंगा straight line a की तरफ, यहां से y पे जाऊंगा. तो मैंने पहले x का लिखना है, तो x हमारा 4 है. Points of a, x is 4. And what is y? Y is 5. So it's 4,5. ठीक? उसके बाद the coordinates of f. F के क्या coordinates हैं? आप देख रहे हैं. F exactly x-axis के ऊपर है. ठीक है? F exactly x-axis के ऊपर है. और it's between 5 and 6. It's between 5 and 6. It's not exactly on the x-axis. अगर आप देख रहे हैं, it's between here. तो यानी कि 5 और 6 के बीच में आएगा, तो it's 5.6. ठीक है? और देखिए y 0 है क्योंकि directly x-axis के ऊपर है. तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये x एक्सिस के ऊपर है, तो इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो एग्जैक्टली 0 है और x वाला कोऑर्डिनेट इसका है अराउंड 5.5. सो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा. सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन हैव द एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हियर एज वेल. तो दिस इज डन फ्रॉम दिस पार्ट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट
और एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, देन वी विल एग्जैक्टली मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, एंड दैट्स अ प्रीटी सिंपलर एंड इजियर क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, ओके, सो ये होती है हमारी एग्जैक्टली एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, तो देख लीजिए एग्जाम्पल 4 जो है भाई साहब वो कंप्लीट हो चुकी है। तो बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ओके ना भाई साहब, एक और एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई जा रही होगी, एंड आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस बड़ी क्लियर इजिली। ना ना चेक इट आउट, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड वेरीफाई लाइन ऑन द लाइन इफ दे लाई ऑन द लाइन नेम इट। ठीक है, हमें ये जो पॉइंट्स एग्जैक्टली आपको लाइन के ऊपर दिए जा रहे हैं, देख लीजिए। ठीक है, हमें बताइए कि एक्चुअल में आपके पास कुछ पॉइंट्स होंगे 0.2, 0.5, 0.6, 0.3.5, और फिर इनमें से चेक करिए कि कौन सा पॉइंट लाइन के ऊपर होगा। दूसरी बात, ए हमारे पास एक पॉइंट है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, ये हमें कहीं लोकेट करके आप बताइए। इस तरह से के कहीं पे है, एल कहीं पे है, एम कहीं पे है, एन कहीं पे है, उन्हें आप लोकेट करके बताइए। ठीक है, फिर डब्ल्यू आप हमें लोकेट करिए, एक्स लोकेट करिए, वाई लोकेट करिए, इस तरह से जेड लोकेट करिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके ऊपर एग्जैक्टली आपको दे रखी हैं। अब आप एक बार इसको एग्जैक्टली अच्छे से क्लियर माइंड से एक बार देखना तो आपको समझ आ जाएगा कि सर जी आपने जो ग्राफ बना रखा है उसकी एक्स एक्सिस पे आपने लाइनिंग कर रखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। और दूसरी बात अगर मैं करूं, आपकी जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे जो मैंने पॉइंट्स ले रखे हैं दे आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। यानी कि मेरा कोई भी पॉइंट अगर आप यहां पे देखोगे तो वो 8 से ज्यादा नहीं है। अब जब बात आती है ग्राफ बनाने की, तो आप एक चीज जहन में अच्छे से रखेंगे, स्केल का फैक्टर, मुझे कितना बड़ा ग्राफ बनाना है वो आपका ग्राफ डिपेंड करेगा इन पॉइंट्स पे। मैंने यहां देख रखा था कि मेरे पास कोई भी पॉइंट 5 से या 6 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो मैंने अपना स्केल के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक रख लिया। इस तरह से वाई एक्सिस पे भी मैंने वैसा ही स्केल जो है वो रख रखा है। तो चलिए आप पॉइंट्स को डिनोट करते हैं, 0, 2, x0, y is 2, when x is 0 point lies on the y axis, so this is your first point and that is 0, 2. okay, let me change the color and make it more visible to you all. so ये आपका हो जाएगा 0, 2, ये है आपका point। ठीक है, देखिए next point है आपका 0, 5, x is 0 point is on y, ठीक है, सीधा ही this is your 0, 5. नेक्स्ट इज व्हेन x इज 0 पॉइंट इज ऑन द y एक्सिस, x इज 0, x तो है ही 0 यहां पे, तो पॉइंट कहां पे होगा, सीधा y एक्सिस के ऊपर, तो ये रहा आपका पॉइंट दैट इज 0, 6। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिए 0, 3.5, 0 x तो आपका 0 है और 3.5 यानी कि एग्जैक्टली y 3.5 है, 3 और 4 के बीच में सेंट्रल पार्ट, एग्जैक्ट सेंट्रल पार्ट। ठीक है, तो ये आपका 0, 3.5। आई होप पहला पार्ट जो है क्लियर है एंड यू कैन इजिली टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ नाउ द सेकंड इज x इज 1, 1, देखिए भाई साहब x पे 1, y पे भी 1, देखिए हम यहां से ये जो पॉइंट्स है x इज 1, y इज 1, दिस इज योर 1, 1। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है 0, ओके b इज 1, 2, x पे 1 और y पे 2, देखिए x पे आपको जाना है 1 और y पे आपको जाना है 2, तो ये रहा आपका पॉइंट। ठीक है, क्योंकि x पे हमें कितना जाना था, सिर्फ 1, और y पे कितना ऊपर, 2, तो हम यहां से x पे सिर्फ 1 गए और y पे हम कहां चले गए, 2 पे, तो दिस इज योर 1, 2 दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 1, 3, जब 1, 3 की हम x इज 1, पॉइंट इज ऑन 3, तो ये है, ये आपका देखिए y एक्सिस हमें 3 दिखा रही है, तो x पे हम 1 ही पे गए और y पे हम चले गए 3 पे। ठीक है, दिस इज योर पॉइंट 1, 3। सेकेंड इज 1, 4, तो बहुत सिंपल है, 1, 4 भी कहाँ आएगा, ये रहा आपका पॉइंट। ठीक है, ये रहा आपका पॉइंट, दिस इज 1, 4 एंड दिस इज हियर योर पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक, अब देखिए 1, 3, अब हमारे पास एक पॉइंट जो है 1, 3 जो है वो रिप्रेजेंट करके बताना है। 1, 3 का नाम जो है हम ऑलरेडी देखिए 1, 3 हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और 1, 3 हमारे पास क्या पॉइंट रखेंगे हम, इसका नाम पॉइंट के, 1, 3 का पॉइंट रखेंगे के। अब है 2, 3,
यानी कि x पे आप 2 जाइए और y पे 3 जाइए, x पे हम 2 चले गए अब y पे 3, तो 2 के सीध में यहां से y के सीध में, तो ये रहा आपका पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज योर 2, 3 पॉइंट, ठीक है। और इस 2, 3 पॉइंट को ये कह रहे हैं कि नेम दिस पॉइंट एज L, ठीक है। तो इस पॉइंट का भी हम नाम रख लेते हैं, 2, 3 तो हमने रख लिया नाम, ठीक है, लेकिन इसको हम L से भी डिनोट करेंगे। 3, 3 x इज 3 y इज 3, देखिए x भी आपका 3 है और y भी आपका 3 है, यहां x पे 3 जाओगे यहां y पे 3 जाओगे, तो ठीक है ये रहा आपका 3, तो दिस इज योर पॉइंट 3, 3। आई होप कि थिंग्स आर लाइक वेरी क्लियर। थोड़ा पॉइंट छोटे हैं तो मैंने पेन का भी छोटा इस्तेमाल कर रखा है। 4, 3 x इज 4 y इज 3, x 4 पे गया y 3 पे गया, तो इसका मतलब है 4, 3 आपका ये वाला पार्टिकुलर पॉइंट जो है वो हो जाएगा, ठीक है, जिसका पॉइंट का नाम आपको जिस पॉइंट का नाम आपको एग्जैक्टली क्या रखना है m और n, 3, 3 का नाम आपको रखना है m, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज m एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो आपका n है 4, 3 इसका नाम आप रख देंगे n, ठीक है। आप चाहें तो इस हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग ग्राफ बना सकते हैं, बट मैंने एक ग्राफ बना रखा है ताकि मैं आपको ये अच्छे से एक जगह पे दिखा सकूं, ठीक है। आई होप अप टिल द थिंग्स आर लाइक वेरी क्लियर, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, मैं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको रफ आउट करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का ग्राफ अलग से दिखाऊं, ठीक है, ओके। सो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो चलिए मैं इसको रफ आउट करता हूं एक बार सारे को, फिर मैं आपको पार्ट नंबर जो है फोर्थ वाला जो पार्ट है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए तो देखिए अब ताकि हमारी चीजें यहां पे कंजेस्टेड ना दिखें आपको और अच्छे से चीजें समझ आए, ठीक है। 2, 6 इज W, 2 और x पे 2 y पे 6, देखिए y हमारा यहां पे 6 हो रहा है, ठीक है, ओके y हमारा यहां पे 6 हो रहा है, देखिए 2, 6 तो देखिए x पे 2 गए हम सीधा 2 के सीध में ऊपर और यहां 6 के सीध में, दिस इज योर 2, 6 और इस पॉइंट का नाम हमें बताया जा रहा है कि सर W वाला रख दो, ठीक है। चल x पे कितना है, x पे हमारा है 3, 5, x is 3 and y is 5, x is 3 and y is 5, x is 3, y is 5, so yes, come on, x is 3, y is 5, this is your point 3, 5 and you can name it as x, Mr. X, huh? Okay, चलिए y कितना है हमारे पास, y है सर जी हमारे पास 5, 3, y is 5, 3, okay, 5, 3, x पे 5 और y पे 3, देखिए भाई साहब 3 के सीध में यहाँ x के सीध में, तो ये रहा आपका पॉइंट, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 5, 3 एंड दिस इज योर पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। और इस तरह से आपका z कितना हो जाएगा सर जी, z है हमारा 6, 2, x पे 6 और y पे 2, x पे हम 6 गए y पे 2, ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली 6, 2 जो कि है हमारा पॉइंट नंबर z, ये तो y रहा था, ये रहा हमारे पास z। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स जो है आपको एग्जैक्टली अब लोकेट करने आ जाएंगे। अगर आपसे कोई भी पूछता है, यानी कि नॉर्मली आपसे कोई भी पूछता है कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट कहां पे है, किस लोकेशन पे है, किस तरह से है, तो आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को बड़ी आसानी से अब आपको लोकेट करना जो है वो आना चाहिए। आई होप कि मेरी ये बातें जो है ठीक है अच्छे से जो है क्लियर हुई, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमें एक्सरसाइज का पार्ट जो है वो करना है, तो यहाँ पे एक्चुअली आप देख सकते हैं कि वी हैव कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एंड आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से आ चुकी होगी, तो ठीक है आज का ये पार्टिकुलर क्लास करते हैं हम एग्जैक्टली इसी पार्टिकुलर पॉइंट पे खत्म, जहां पे हमने ये सारी चीजें जो है सीख रखी है। और नेक्स्ट जो इसके बाद प्लेलिस्ट में आपको नेक्स्ट वाला जो वीडियो मिलेगा उसमें आप इसकी एक्सरसाइज जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए आज का कारवां रोकते हैं यहीं पे एंड आई होप कि आप इस आधे घंटे में बिल्कुल भी बोर नहीं हुए एंड यू एंजॉयड द लेक्चर एज वेल। सो आई मस्ट रिकमेंड यू ऑल प्लीज कीप वॉचिंग स्काई क्लासेस फाउंडेशन, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ होने के बाद, थैंक यू एंड वेरी मच।